सो फाइनली हम पहुंच गए हैं महाकाली केव्स। ये हमारे पीछे है महाकाली केव्स, ज़रा हटना। तो चलिए, ये एंट्री गेट है और चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ अभी भी काम चल ही रहा है क्योंकि पत्थर बहुत सारे पड़े हुए हैं। और ये देखिए, ये है यहाँ का टिकट है। तो फाइनली मैंने टिकट ले ली है। दो टिकट है 50 रुपए की, पर पर्सन 25 रुपए। और तो आप आइए यहाँ पे। मुंबई के अंदर ऐसी 3-4 जगहें हैं, जैसे एक तो ये महाकाली केव है, दूसरा बोरीवली नेशनल पार्क, और तीसरा जो है एल्फिंटा केव। वो भी मैं आपको किसी दिन ना किसी दिन दिखाऊंगा। तो आज मैं यहाँ आया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये, अंधेरी जो मुंबई का सब अर्बन एरिया है, जो सबसे ज़्यादा बिजी एरिया, वेस्टर्न लाइन का सबसे बिजी एरिया माना जाता है अंधेरी। तो ये और अंधेरी ईस्ट में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके बीचों बीच है ये जगह। तो बहुत समय तक तो लोगों को ये पता ही नहीं था, लेकिन जब रियली में आसपास पूरा रेजिडेंस एरिया है ये। ये वाटर स्टोरेज है, यहाँ पे पानी स्टोर करते हैं। जैसे कि आप जब भी ये ऐसी जो गुफाएं आपको मिलेंगी जो बौद्धिस्ट लोगों ने लगभग बनाई थी, तो आपको ये महाकाली केव में भी है और बोरीवली नेशनल पार्क में कनेरी केव जिसको बोलते हैं वहाँ पे ये है, और एल्फिंटा में भी ये वाटर स्टोरिंग का सिस्टम था पहले उस ज़माने में। घर के पास ही, घर के नीचे पानी को जमा करते थे कि जिससे घर भी ठंडा रहता था और पानी की पूर्ति भी होती थी, और वो बरसात का पानी इकट्ठा करते थे। तो ये जो है ना, ये छोटा सा आपको दिख तो रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा है अंदर से। तो ये उस जमाने की टेक्नोलॉजी है जिसे आज हम स्टोर करते हैं अपने घर के नीचे, वाटर हार्वेस्टिंग बनवाते हैं। देखिए उस जमाने के, मैं जिसे जैसे डिस्क्राइब करूंगा, जो उस जमाने के 1 BHK के फ्लैट होते थे, ऐसे समझ लीजिए।
ये सब तोड़ ही गई हैं। जब यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं ना, उन्होंने अपने जो तोड़ दिए उन्होंने, ये उन लोगों को मतलब नहीं है ना कि क्या है। ये सब मूर्तियाँ तोड़ दी गई है, देखो क्या अलग चीज़ है। क्या हालत कर दी है, लोग समझते नहीं है। कितनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां हैं, लोग तोड़ देते हैं बताइए। ये मेन टेम्पल है जो, जिसको क्या बोलते हैं, शायद पगोड़ा बोलते हैं, ये वही है, मुझे सही से पता नहीं है, शायद इसको पगोड़ा ही बोलते हैं। तो कौन बैठा है, तो डरो मत, तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज दिखाऊं, शीश नाग बने हुए हैं देखो पत्थर पे है। अंदर ले चलता हूँ, जैसे मैं भीग तो रहा हूँ लेकिन आपको दिखा रहा भी बहुत ज़रूरी है। ये शायद इनका मेन हॉल होगा, तो पीछे मेरे देखिए पत्थर पे शेषनाग बने हुए हैं। तो इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेस पे जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है।
एक काका मिले थे तो उन्होंने बताया यहाँ पे सांप भी निकलता है कभी कभी, निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी घर है, धरती उनकी भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंसानों के लिए ही धरती है, उनका भी घर है, वो बेचारे यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। और इस मुंबई जैसे शहर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में उनके लिए ये जगह थोड़ी सेफ है, रहने दो उनको, मैं तो कहता हूँ एक नहीं 10-15 सांप हो जाए बेचारे, उनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो आज था मेरा ये महाकाली केव का वीडियो, तो मिलते हैं। यहाँ कुछ लिखा है शायद आपको दिखेगा नहीं, इंग्लिश में ही है, अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप देख लीजिए, मुझे तो साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास जो मैंने आपको महाकाली केव दिखाया, बहुत खूबसूरत जगह है, आप अंधेरी ईस्ट में ये जगह है, आप कभी भी आ सकते हैं। मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ, मेरे घर के नज़दीक है, इसलिए मैंने सोचा आज मौसम बहुत अच्छा है मैं जाके ब्लॉग बनाऊँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना कि आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ शेयर करना प्लीज़, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूँगा, आपको दिखाता रहूँगा मुंबई की खूबसूरत जगहों को, जो मुंबई शहर में, मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले शहर में छोटी सी खूबसूरत जगह होती हैं वो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, देखते हैं मैं अगली जगह कहाँ जाता हूँ तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।